और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तेरी मेरी कहानियां के 6 सितारों में से 2 चमकते दिमकते सितारे हैं, 6 की 6 हैं, उनमें से 2 मौजूद हैं जो कि हैं शहरयार मुनव्वर और रमशा खान। ये आप सबको रहा चलूँ की जो तालियां बजाई थी वो भी हमने खुद ही बजाई। मैं देखता हूँ कि आपका लाइट कैसी आ रही है। आप लोग अगर इधर आए तो मेरे ख्याल में लाइट ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ बेहतर है। हाँ थोड़ी सी ये हाँ यू 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 हो जाए दोनों प्लीज। जबरदस्त हो जाए। आप ना सवाल आप पूछे जवाब वो देंगे शूट में कर दो कैसा। हमने वो डिविजन ऑफ लेबर आप ही होंगे इस वीडियो में। हम किसी को दे देते हैं अलग तरह की क्या होगा। अलग नहीं तो हसन आप भी हो ना इस वीडियो में। चले मैं और आमना भी होगा आप बताए। चले ये बेस्ट है अब सही है। अब कहीं तो मैं 0.5 भी कर देती हूँ। I think that एक तो बहुत short stint था, it was just about 7 to 8 days. Yeah. So nearly it was important was that she's a wonderfully nice person, good human being. So it was amazing to be on set. नहीं बहुत जरूरत पड़ती है because आपको अगर screen share करनी है तो आपको वो महसूस भी तो करना पड़ता है ना कुछ के मतलब मुझे अच्छा लग रहा है इस इंसान के साथ। और she's wonderful. Did you not see मेरा तो trailer में नहीं लगाया तो फिर आप अच्छा क्या ही कोई डांस कर दिया होगा। एक सवाल मैंने पूछना है आप दोनों से बल्कि सबसे मैं पूछूंगा जब आप इस तरह की फिल्म कर रहे हैं जिसमें 3 कहानियां हैं 3 डायरेक्टर्स हैं राइटर्स हैं अलग कास्ट अलग है तो वर देयर एट ऑल एनी कंसर्न्स आल्सो कि यार कि हमारी जो फिल्म का ट्रीटमेंट है या हमारे किरदारों का ट्रीटमेंट है वो कैसा होगा। बिकॉज हर फिल्म की अपनी जगह है और हर फिल्म इज लाइक जॉनर ही कम्प्लीटली डिफरेंट है उसकी फील बहुत अलग है तो वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है ना किसी के दिमाग में नहीं आई हो। मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा मैंने ये फिल्म करने से पहले भी इतना नहीं सोचा। मैंने ये सोचा ही नहीं कि 2 और फिल्में होंगी या नहीं होंगी। मेरा एक बात मानना है कि एक्टर को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे आगे कौन है मेरे पीछे कौन है जब या फिर मैं मेन किरदार हूँ मैं साइड किरदार हूँ मैं ये किरदार हूँ वो किरदार हूँ। मेरे पास जो लाइनें हैं मैंने ऐसी देनी है कि लोग याद रखें। सो आपको ऐसे सोचना चाहिए। और आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि कोई हेल्दी वे में कि कॉम्पिटिशन भी है तीनों फिल्मों के बीच में तीनों फिल्म को की कहानियों या एक्टर्स की। सवाल आपने मेरा ब्यूटी पेजेंट स्पीच आंसर ही सुना अच्छा आप लोगों को ये तीनों मिलके एक आपने वो कैप्टन प्लैनेट देखा था ये कैप्टन प्लैनेट है तीनों मिलके। मेरा सवाल ये है कि टेलीविजन से फिल्म तक जाने के लिए कौन सा मोड ऑफ करना पड़ता है और कौन सा ऑन करना पड़ता है। एक्चुअली ये जॉनरा का पे डिपेंड करता है। अगर आपका जॉनरा ड्रामा हो जैसे रोमांटिक ड्रामा है नदीम का जो जॉनरा है उसमें एज सच इज अ डिफरेंस बट नॉट एज इतना ज़्यादा नहीं होता बिकॉज ड्रामा इज ड्रामा। जो जॉनरा हमने किया अभी जो किया इट्स अ वेरी डिफरेंट जॉनरा इट्स एन एंटरटेनिंग जॉनरा बट इट्स अ वेरी सो आई वुड से कि इसमें अगर आप सर एस एच कहें तो एक्टर के पास लंबी टेक नहीं है तो वो एक्टिंग मार्जिन पर सेम नहीं है बट इसका ये मतलब है कि जो आपके पास सेंटेंस है वो आपने खड़ा देना है जो जुमला है वो फिर आपने जुमलों की तरह देना है। सो इट्स वेरी डिफरेंट बिकॉज वी वर डूइंग एटलीस्ट आई वाज डूइंग इट जुमला बाय जुमला यू नो। फॉर मी आई थिंक द ओनली डिफरेंस इज द डांस। यू डोंट डू दैट इन द सॉन्ग इज सो मच फन। नो नो या बट दैट्स अ ह्यूज लाइक यू नो द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग ऑन माय ड्रामा में ओएसटी में होती भी है सॉन्ग्स तो वो इट्स नॉट ट्रीटेड लाइक दैट। अच्छा हमारे अभी करंट सिनेरियो में फिल्में ना होने के बराबर हैं बहुत अरसे बाद फिल्में आ रही हैं बीच में कम कम आ रही हैं उस तरह की बड़ी फिल्में नहीं आ रही। उस सिनेरियो में आपको क्या लग रहा है कि तेरी मेरी कहानियां पुल कर पाएगी क्राउड्स को सिनेमा की तरफ क्योंकि हम देख रहे हैं जो फिल्में आ भी रही हैं वो वाला अनफॉर्चुनेटली बज़ जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है। देखिए एक तो ये होता है कि जब आप इम्तिहान देने जाते हैं और इम्तिहान दे के आते हैं तो आपको ये कभी नहीं पता था कि रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको सिर्फ इतना पता था कि आपने अच्छा किया या नहीं किया। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जो आपने सिनारियो की बात की है इट्स अ बिगर फाइनेंशियल सिनारियो कह रहे हैं उस फाइनेंशियल सिनारियो में रहते हुए आई थिंक टू सर्वाइव आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा बिल्कुल टू बी एबल टू गिव you know something new every now and then so that you're able to get that audience so I think that way we're on the right track with this one because it is an experiment but also calculated risk because they've taken jo unhone naam liye as directors sare bade naam hain ha main ek baat ye kehna chahunga ki the film
तीनों जो कहानी है बहुत मजे की लगी है आपकी फिल्म में. मुझे वो वाली एक फील आई कि जो हम ट्रेडिशनली एक ऊपर एक फिल्म देते हैं, शादी ब्याह गाना हंसी मजाक, वो सब मुझे नजर आ रहा है. सो द गुड थिंग इज कि इसमें तीन डिफरेंट क्योंकि जॉनर की कहानियाँ हैं, हॉरर कॉमेडी इसमें पोएटिक भी है और आप वाली भी है. तो आई थिंक जो लोग हैं जो काफ़ी अर्से से क्रेव कर रहे हैं डिफरेंट कहानियों को, उनको एक टिकट की प्राइस में तीन डिफरेंट कहानियाँ, बिल्कुल तो ज़रूर आएँ देखिए. आपने बोला बिल्कुल सही बोला है, एक फर्स्ट हाफ है फिल्म का, एक सेकेंड हाफ है और बीच में आइटम नंबर है वो हमारा. अच्छा अच्छा मतलब भाई थिएटर में ऐसे ही होता है, आपने देखा कभी कमर्शियल फन एलिमेंट जो ईद के साथ एसोसिएटेड भाई, जब पंजाब साइड पे जो थिएटर होता है पता है ना, उसमें फर्स्ट हाफ होता है सेकेंड हाफ होता है बीच में आइटम नंबर ऐसे ही होता है. सो हमने वो आइटम नंबर किया. All the best to both of you and the entire team of Tejas. Thank you so much. We'll be looking forward to it and inshallah, of course, we're going to watch it in the cinema. आपको भी जाना चाहिए सिनेमा में जाके देखें, अपने सारी फैमिली को लेके जाएं. एक टिकट की प्राइस में तीन फिल्में, ऐसा तो मैंने नहीं हुआ तो फिर ये तो आपको जाना पड़ता है. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू आमना. ऑलवेज अ प्लेजर. सो वी हैव विद अस नाउ the one and the only gorgeous, the hottest, the most beautiful, most pretty, the most talented. Mavish ke case mein to aap bhi manti hain ki yaar Mavish is the hottest. हैं ये कि मैं ये मानती हूँ हैं कुछ एक्टर होते हैं जो छोटी स्क्रीन के लिए होते हैं, हाँ, कुछ बड़ी स्क्रीन के लिए होते हैं, हाँ, और कुछ बहुत कम ऐसे होते हैं जो दोनों में आराम से ट्रांसेंड कर दें. अंदर मैविश मैविश का एक्सप्रेशन देखिए वो जब आप तारीफ कर रही थी ना, हमें सिखाया जाता है बड़ी स्क्रीन के लिए ना एक्टर की फड़क होना बहुत जरूरी है. हाँ ये बात वो फड़क जो है ना वो मैविश फड़क, आपने उसको फड़क का नाम दिया. फड़क बहुत जरूरी है. क्या कहूँ फड़क को आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे? I wanted you to say that. I wanted you to say that. हाँ, good, 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 good. ये सही है. Mavish, what do you have to say about that? I think Amna's right, though. I think it always feels good to know about something that I already know for so many. We like that. About teri meri kahaniya, Amna. हुमायूं के साथ तो वे लाइक सो यूज्ड टू सीइंग यू, बट बहाज के साथ क्या एक्सपीरियंस था? बहुत जबरदस्त. मेरे लिए खुद इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग एंड ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार. सॉरी थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करूं, थोड़ा ऊंचा बोलूंगी, शोर बहुत है यहां पे और हम फोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी थोड़ा सा ये वेल डन मैविश. सॉरी प्लीज गो ऑन. सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम. अच्छा उसका भी वही वाला हाल है जो मेरा है कि आई थिंक ही इज ऑल्सो परफेक्शनिस्ट जस्ट लाइक आई एम. सो इट वॉज लाइक मीटिंग ऑफ टू माइंड्स एंड सो कम्फर्टेबल वर्किंग विद हिम. मुझे बाकी नहीं लगा.